अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दही की फुल्कियाँ बनाने जा रही हूँ। इसके लिए जो मैं सामान लेना है उसमें 200 ग्राम मैंने ये बेसन लिया है, इसमें थोड़ी सी हाफ टी स्पून जो है इसमें रस मिलाई है, हाफ टी स्पून जीरा है, थोड़ा सा नमक और हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर। अब मैं इसको जो है मिक्स करके और फिर इसके मट्ठा मैंने लिया है उसमें जो है मैं ये फुल्कियाँ डालूंगी। उसके लिए जो मट्ठे के लिए सामान है उसमें खाली 2 टेबल स्पून हमने वो लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़्यादा नहीं लिया जाता है इसमें। 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। अब इसको मैं जो हूँ इसमें मिलाऊंगी मट्ठे में और ये बेसन मैं फेंटने जा रही हूँ। इसको फेंटना है मुझे खूब अच्छी तरीके से, ये फिट जाए इसका फुल्कियाँ मुझे बनाना है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनती हैं। इसको आप खिचड़ी वगैरह जैसे बनाइए, तहरी बनाइए, उसके साथ खाने में ये बहुत टेस्टी लगती हैं। ये देखिए ये बहुत मज़े की होती हैं, इसको लोग भूखी भी खाते हैं, स्नैक्स के तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, चाय के टाइम पे भी खा लेते हैं। इसका मैं देखिए ये पेस्ट बना रही हूँ। इसको खूब फेंट के रख लेना, 2-3 मिनट रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा बेसन हो जाता है, उसकी फुल्कियाँ जो है बहुत सॉफ्ट अच्छी बनती हैं, फिटाई अच्छी होनी चाहिए बस। देखिए ये बेसन को हमने फेंट लिया और ये देखिए ऐसे रखना है, इसको फेंटने के बाद इस तक इतना होना चाहिए, जो इससे फुल्कियाँ बहुत टेस्टी और बहुत फूली हुई अंदर से कच्ची नहीं रहती है, ऐसा बेसन फिटा होना चाहिए। और इसमें जो है बाद में इसको मैं अभी तलूँगी और इसको जो है फ्राई मट्ठे में जो है हमें जो सामान मिलाना है वो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और हाफ टी स्पून नमक है इसमें डालना है मट्ठे में। और ये जो बेसन है इसमें मैंने मिर्च थोड़ी सी आपको बताई थी हाफ टी स्पून और नमक और ज़ीरा और इसमें बेकिंग सोडा हमने थोड़ा सा डाला है, इससे बेकिंग सोडे से जो है अच्छी बन जाती है, सॉफ्ट होती हैं फुल्कियाँ। अब इन सबको मैं डालूंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है बहुत थोड़ा सा 1-2 चमचे टेबलस्पून इसमें मट्ठे में मिलाना है, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखिए हम इसमें मिला रहे हैं, ये इसमें डालना है और ये देखिए ये ज़ीरा पाउडर है, ये नमक है और ये रेड चिली पाउडर है। और इसको हम नमकीन भी आप बना सकते हैं, हमने इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाली है, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, बहुत हल्की सी शक्कर, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी शक्कर इसमें डालना है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई भी कर लेते हैं ज़ीरा डाल के, बाद में जब फुल्कियाँ बन जाएंगी दही में डालेंगे। और दही की फुल्कियाँ जो हैं बनाने पर इसको थोड़ा पानी में डाल के आप इसमें दही में डालिएगा, क्योंकि जो है फुल्कियाँ सॉफ्ट ज़्यादा नहीं होती हैं, अगर आप डायरेक्ट डाल दीजिएगा मट्ठे में तो अच्छी नहीं हो रहेंगी, तो आप पानी में पहले डालिएगा फिर इसको निचोड़ के हाथ से इसमें मट्ठे में डालिएगा, ठीक है। अब मैं इसको फुल्कियों को तलूँगी अभी और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो बेसन मैंने फेंटा था और उसमें ज़ीरा बेकिंग सोडा नमक और ये देखिए जो फेंटा हुआ है वो सब मैं मिक्स करके अब मैं इसमें फेंट के इसमें फुल्कियाँ डाल रही हूँ और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बनाइएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रहेंगी, इसको बहुत धीमी आंच पर बनाना है। ये देखिए इसको स्लो फ्लेम पर बना रहे हैं,
बेसन बहुत पतला ना रखिएगा नहीं तो ऑयली बनेंगी ये। इसको जो है मीडियम इसको रखिए, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। बस अब ये देखिए, ये देखिए डाल लें इसमें ये। अब ये तल थोड़ी धीमी आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको निकालते जाएंगे और उसमें मटर में डालेंगे। ये फ्राई हो रही है फुल्कियाँ। ये अब बिल्कुल गुलाबी हो जाएंगे तब इसको हम निकालेंगे। अभी ये फ्राई हो रही है, इसको फ्राई होने के बाद इसको हम मटे में डाल देंगे। आप चाहें तो इसको दही में भी बना सकती हैं लेकिन हम मटे में बनाते हैं, इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और इसको हम ऊपर से जीरे से हल्के जीरे से बघार भी देते हैं। अगर नहीं भी बघारिएगा तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है जीरा डाल के बघारने से। अब ये जब पिंक हो जाएंगी गुलाबी हल्की तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ये हमने फुल्कियाँ जो हैं तल ली हैं और तलने के बाद इनको पानी में डाल के मट्ठे में डाल दिया है और मट्ठे में डाल के इसको थोड़ी देर पीने दिया है। और इसको जो है हमने तैयार कर लिया है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको आप साइड में भी खा सकते हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी हो घर में, लोग दही की फुल्कियाँ बनाते हैं उसमें सर्व करते हैं लोगों को, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और हमने इसमें तड़का भी लगाया है जीरे और तेल का, और आप चाहें तो शादी में रख सकती हैं लेकिन ये इससे ज़रा सा जीरे का टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसलिए इसको आप तड़का चाहे लगाएं आप और ना लगाएं। इसको खिचड़ी में लगा के या मटर पुलाव आप बनाते हैं उसके साथ भी, ये हर चीज़ के साथ दही की ये फुल्कियाँ जो हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं। बस आप इसको हमारे ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़।